भगत मिलकर जयकारा लाते हैं। एक बार लगाओगे ना सीधे हाथ उठा के, बिल्कुल सीधे बोलिए खाटू नरेश की, के सारे भगत मिलकर जयकारा लाते हैं। इस शाम निराले की, इस खाटू वाले की हम महिमा गाते हैं। सारे जमा ध्यान लाके सुनना और मीठी मीठी ताली बजा दो, अगर मस्ती में करोगे तो और भी बड़ा आनंद आएगा। आ जाओ यहाँ जाओ। हो सारे भगत मिलकर जयकारा लाते हैं, सारे भगत मिलकर जयकारा लाते हैं। शाम निराले की, जिस खाटू वाले की हम कथा सुनाते हैं। भीम का नाम किस किसने सुना? भीम, भीम महाभारत में भीम का नाम सुना ना? भीम के एक पुत्र हुए घटोत्कच, और घटोत्कच जी के पुत्र थे बर्बरिक, जिनका नाम श्याम बाबा जी पड़ा, इनका नाम बबरुवान भी है। ये भीम के पुत्र हैं, ये भीम के पुत्र हैं, जाने दुनिया सारी, और पिता घटोत्कच हैं जो हुए हैं बलकारी। ये भीम के पुत्र हैं, सारे दुनिया सारी, और पिता घटोत्कच हैं जो हुए हैं बलकारी। शक्ति सबसे न्यारी, शक्ति सबसे न्यारी, देख पापी घबराते हैं। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो उस समय बर्बरिक ने भी इच्छा जाहिर की अपनी माँ से कि माँ मैं भी युद्ध देखने जाना चाहता हूं। नुवली बेटा तू अभी बच्चा है कि नहीं, तपस्या करके इतनी शक्ति अर्जित कर ली, तीन बाण तपस्या के दौरान बर्बरिक को मिले, वो तीन बाण ऐसे थे इसलिए इनका नाम एक और है तीन बाणधारी। कौन कौन जानता था इनका नाम तीन बाणधारी भी है? सारे जानते हैं ना। नुवली मैं युद्ध देखने जाऊंगा। नुवली ठीक है बेटा जाओ, ये बताओ अगर मैंने युद्ध करना पड़ गया तो मैं किसकी साइड से युद्ध करूं? मां कहने लगी बेटा जो सेना हारती दिखे तू उसकी साइड से युद्ध करना। बोला ठीक है माता, आज्ञा लेकर कहां पहुंचता है। महाभारत का युद्ध था और सेना जुड़ी भारी, महाभारत का युद्ध था और सेना जुड़ी भारी। वो युद्ध देखने को आए थे बलकारी, युद्ध देखने को आए थे बलकारी। वहां चर्चा हुई भारी, वहां चर्चा हुई भारी, आया वीर बताते हैं। घोड़े पर सवार एक वीर यहां पर आया है, लेकिन चारों तरफ देख रहा है। वहां कुछ योद्धा आकर पूछने लगे उससे, कुछ योद्धा वहां आए
ना करके बोले छयो ताए आ करके बोले युद्ध किसके साथ करोगे क्यों भेद नहीं खोले युद्ध किसके साथ करोगे क्यों भेद नहीं खोले। तो श्याम जी ने जवाब दिया जो निर्बल होगा जो जो निर्बल होगा जो निर्बल होगा उसके साथ साथ बताते हैं श्री श्याम निराले की हम कथा सुनाते हैं ठाकुर वाले की हम कथा सुनाते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा दें हमारे म्यूजिशियन साहिबान के लिए क्योंकि अगर ये नहीं है तो हम इनके बगैर कुछ भी नहीं है। बहुत जो भी आपके ग्रुप का नाम है बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। हमें बड़ा सौभाग्य है कि आप लोगों के साथ हम गाने का मौका मिला है। एक बार जोरदार तालियां इन सबके लिए बताइएंगे आप। हो तेरे चेहरे से सॉरी फिर बात ये फैल गई एक वीर यहाँ आए फिर बात ये फैल गई और वीर यहाँ आए श्री कृष्ण ने देखा जट उसके पास आए श्री कृष्ण ने देखा जट उसके पास आए। श्री कृष्ण जी आगे नुबले भाई कौन है तू किसके साथ युद्ध करेगा। बोला जी मैं तो जो भी सेना हारती दिखेगी उसकी साइड से युद्ध करूंगा। ऐसा अकेले रहा भाई तू के जी मेरे पास ये तीन बाण है तीन बाण है। हाँ जी अपनी शक्ति ही दिखलाओ अपनी शक्ति ही दिखलाओ कहे ये वचन बताते हैं क्या शक्ति है कि जी मैं एक तीर चलाऊंगा और ये ऐसा तीर चलाऊंगा एक बहुत बड़ा विशाल पीपल का वृक्ष था ये सभी पत्तों को एक ही तीर बिंद देगा। बोले अच्छा ऐसा है। बोले हाँ जी। श्री कृष्ण भगवान जी ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। बोले भाई चला दे ऐसा तीर चलाया सभी पत्तों को बींदता हुआ तीर श्री कृष्ण जी के पांव के ऊपर आकर के रुक गया। बरबरिक जी कहने लगे कि जी पैर को हटा लो एक पत्ता नीचे है नहीं तो पैर के अंदर से चला जाएगा। एक तीर चलाया था ऐसी शक्ति पाई एक तीर चलाया था ऐसी शक्ति पाई हुआ ऐसा अचंभा था सब सेना घबराई श्री कृष्ण के पांव पे रुका वह तीर बताते हैं श्री श्याम निराले की हम कथा सुनाते हैं खाटू वाले की हम गाथा गाते हैं। और देख ऐसी शक्ति श्री कृष्ण घबराए शक्ति श्री कृष्ण घबराए ये पांडव कैसे जीतेंगे ये मन में ख्याल आए ये पांडव जीतेंगे ये मन में ख्याल आए श्री कृष्ण को अपना श्री कृष्ण को अपना दिया वह शीश बताते हैं श्री श्याम निराले की हम गाथा गाते हैं उस खाटू वाले की हम कथा सुनाते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने शीश का दान मांग लिया
इसीलिए बाबा का नाम एक और है, क्या है? शीश का दानी। और ये शीश को दान में देना पड़ा, इसके पीछे भी एक कहानी थी। इससे पिछले जन्म में श्याम बाबा जी एक सूर्यवर्चन नाम के बहुत महान योद्धा होते थे। एक बार स्वर्ग पर राक्षसों ने आक्रमण कर दिया, सभी देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, विलाप करते हैं कि हमें बचा लो। उसी समय सूर्यवर्चा उठ करके कहने लगे, घमंड में आकर के एकदम से बोले कि प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अकेला ही सारे राक्षसों को नाश कर दूंगा। ब्रह्मा जी को एक उसका अहंकार, उसका घमंड देख करके गुस्सा आ गया और वहां पर श्राप दे देते हैं। क्या श्राप दिया? सूर्य वर्चा बोले मैं अकेला हूँ काफी, सूर्य वर्चा बोले मैं अकेला हूँ काफी। गुस्सा आया ब्रह्मा को और नहीं दी माफी, गुस्सा आया ब्रह्मा को और नहीं दी माफी। विष्णु मांगे सर को, विष्णु मांगे सर को, दिया महाश्राप बताते हैं बिरसा मंदिर वाले की, हम गाता गाते हैं खाटू वाले की, ये लगाता गाते हैं। और जब शीश दे दिया तो कटा हुआ सिर बोलने लगा, हे प्रभु मेरी एक इच्छा है। क्या इच्छा है? कि मैं ये पूरा का पूरा युद्ध देखना चाहता हूं। और श्री कृष्ण भगवान ने उसकी इच्छा पूरी की। सिर कटा हुआ बोला एक इच्छा है गिरधारी, सिर कटा हुआ बोला एक इच्छा है गिरधारी, युद्ध सारा देखूंगा दया करो हे बलकारी, का युद्ध पूरे के पूरे 18 दिन चला था। और पूरा युद्ध परब्रह्म ने देखा और 18 दिन देखा, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ थोड़ी सी सर, और 18 दिन देखा, और 18 दिन देखा, वहां संग्राम बताते हैं फिर सामने वाले की, हम राधा गाते हैं वाले की, हम कथा सुनाते हैं। तो पांडवों के अंदर भी अहंकार आ गया, घमंड आ गया। भीम कहने लगा युद्ध मैंने जीता, अर्जुन कहने लगा मैंने, नकुल सहदेव सब ये बोलते हैं कि युद्ध मैंने जीता। श्री कृष्ण जी हंस रहे हैं बात कर करके। न बोले भाई मैं फैसला करवा देता हूं, पूरा का पूरा युद्ध बर्बरिक ने देखा, वो बता देगा किसने क्या किया है। सभी पांडवों को वहां पर कटे हुए सिर के पास लेकर जाते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि आपने क्या देखा भाई, युद्ध किसने जीता ये? तो बर्बरिक जी ने कहा, वो कटा हुआ सिर बोलने लगा कि जी मैंने तो कुछ भी नहीं दिखा, मैंने तो एक सुदर्शन चक्कर चलता हुआ दिख रहा था, उसे का सारा खेल दिखा था। युद्ध खत्म हो गया था सब पांडव इतराए, युद्ध खत्म हो गया था सब पांडव इतराए, युद्ध मैंने जीता, मैंने जीता कहते ना घबराए, युद्ध मैंने जीता, मैंने जीता करे ना घबराए। और खत्म किया उन सबका, हाँ खत्म किया उन सबका, वहां घमंड बताते हैं श्याम निराले की, हम गाथा गाते हैं उस खाटू वाले की, हम कथा सुनाते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने
कटे हुए सिर से बर्बरी से क्या कहा? श्री कृष्ण जी बोले आगे कलयुग आएगा, श्री कृष्ण जी बोले आगे कलयुग आएगा, और मेरे नाम से ही तुमको पूजा जाएगा, मेरे नाम से ही तुमको पूजा जाएगा। श्री कृष्ण ने उनको ये वरदान बता दे, श्री राम वाले की हम कथा ना दे, सुधातु वाले की हम कथा सुना दे। और फिर यहाँ खाटू में कैसे उत्पत्ति हुई? कुछ गवाले गाय लेकर गाय चराने के लिए वहां पर आए, जहां पर आज श्री श्याम जी का मंदिर है। जब वहां गाय आई तो क्या होता है कि गायों के थनों से एकदम से अपने आप ही दूध निकल करके धरती में जाने लगा। इस बात को देखकर गवाले डर जाते हैं और जाकर के किसको? राजा को बताते हैं। खाटू में गाय लेकर कुछ ग्वाले थे आए, और दूध गया धरती में ये देख के घबराए, दूध गया धरती में ये देख के घबराए। राजा को आकर के कहा वहां हाल बता दे, वाले की हम कथा सुना दे, मंदिर बनवाया, फिर एक मंदिर बनवाया, कहे वह वस्त्र बताते हैं, श्याम निराले की हम कथा सुनाते हैं, तू वाले की हम कथा गाते हैं। और उसी दिन से जो भी उस मंदिर में सच्ची मुराद लेकर के सच्ची दिल से जाता है, उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। ये सच्ची बात है, आप सब लोगों ने महसूस किया होगा, आप वहां जाकर देखा होगा। इतनी शक्ति है कि वहां जाने मात्र से ही सब कुछ ठीक हो जाता है। सच्चे मन से जो भी बाबा के दर आए, सच्चे मन से जो भी बाबा के दर आए, कोई कष्ट मिटे सारे वह कष्ट मिटे सारे, कोई दुखी नहीं जाए, कहता हूँ प्रमाण बताते हैं, श्याम निराले की हम कथा गाते हैं, खाटू वाले की हम कथा सुनाते हैं, जीवनपुर वाले ने ये महिमा तेरी गाई, जीवनपुर वाले ने ये महिमा तेरी गाई, कोई हो माफी देना तू है सच्चा साईं, कोई गलती हो माफी देना तू है सच्चा साईं, मेरे बाबा तो सबका, मेरे बाबा तो सबका। क्या करते हैं बाबा?
मेरे बाबा तो सबका सोया भाग्य चमकाते हैं दिन शाम की।